पाप है। क्रोध करना पाप है। क्रोध क्यों करते हो? जो क्रोध को त्यागता है जीत उसी की होती है। मैं यहां आप सब लोगों को एक ही चीज सिखाऊंगा, इसे शांत करना। नहीं, इसका मतलब क्रोध कैसे शांत करते हैं? बिन लादेन को क्रोध आया था, उसे पता नहीं था उसे शांत कैसे करें, तो उसने अमेरिका के ट्विन टावर्स को मिट्टी में मिला दिया। एक रास्ते के कुत्ते को भी क्रोध आया था, उसे भी शांत करना नहीं आया, और उसने एक हीरोइन को काट लिया। सब बकवास है। शराब और गुस्सा कोई नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकते हैं, बेशक छोड़ सकते हैं। अभी तुम्हारी कला से मेरा गुस्सा कम करके दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे फाड़ के रख दूंगा। प्लीज कम ऑन स्टेज। आता हूँ। क्या आपको मुझ पर क्रोध आ रहा है? बहुत आ रहा है। सच में क्रोध आ रहा है? हाँ आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है बे। पता है क्रोध आने पर आपको क्या करना चाहिए? क्या बोल? दोनों अंगूठे मुंह में डालने चाहिए। देखा, अब बकवास करने के लिए मुंह नहीं खुलेगा और मारने के लिए हाथ नहीं खुलेंगे। सो क्रोध इज कंट्रोल। हाँ देखा। जिन जिन लोगों ने ये कोर्स किया है वो सभी अब इतने शांत हैं कि कोई मुंह पर गोबर भी लगा दे तो आराम से पोछते हैं। आपका नाम? सरोजा। हेलो, एक्सक्यूज मी। प्रॉब्लम क्या है सरोजा? एक नहीं, दो नहीं, पूरे पांच लड़के हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लाइन में तो मैं भी हूँ, लेकिन सबको सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए, किसी को मेरा दिल नहीं चाहिए। इस गरीब को दे दो, ले लूंगा। कोई इसकी तरफ देखता ही नहीं। मैं तो वही देखता रहता हूँ। वो खटखटाते रह गए लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। मेरे लिए तो खिड़की भी काफी है। मुझे जैसा लड़का चाहिए मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? बोलिए क्या करूं? जवाब दीजिए मुझे। कुछ भी मत करो, बिल्कुल कुछ मत करो। अपनी आंखें बंद करो। करो अब लंबी सांस लो। अब तुम्हें कोई भी लड़का नहीं दिखेगा। अब तुम्हें क्रोध भी नहीं आएगा। अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लेती रहो। अब वो जिस्म से नहीं दिल से प्यार करेंगे, कुत्तों की तरह नहीं इंसानों की तरह। रिलैक्स। अरे इसके चक्कर में तो इन लोगों को भूल ही गया था। प्लीज 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 जाइए। कितनी सुंदर लगता है, अलग से ट्यूशन देना पड़ेगा। हेलो हैंसन, प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज आइए। तुम्हें अपना क्रोध क्यों कम करना है? जॉब बचाने के लिए या फिर घर बचाने के लिए? मेरी सरस्वती के लिए। प्यार के लिए? वेरी गुड सरस्वती, यू आर लकी स्वती। सर वहां सब कुछ ठीक है ना? डोंट वरी सर, वकील उनकी धज्जियां उड़ा के रख देगा। क्या मतलब? कोर्ट में उनको हिला देगा, ये केस बंद करवा देगा। ओके। या परफेक्ट। ओके नाउ लिटिल ऑन योर राइट लाइक दिस। या जस्ट होल्ड ऑन सर, दिस लुक्स बेटर। परफेक्ट। मैं शरद काड़े आज भारत के संविधान को साक्षी रखकर इस राज्य का मुख्यमंत्री बनकर इसकी सेवा करने की शपथ लेता हूं। शरद, शरद, शरद। योर ऑनर, शरद की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज नहीं आ सके। ये रही उनकी हेल्थ रिपोर्ट। थैंक यू माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हमारा आई विटनेस माइनर है, बच्चा है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन
जब भी कोर्ट गवाही देने के लिए बुलाता है वो स्ट्रेचर पर चला आता है, लेकिन शरद पूरी तरह से ठीक होकर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होकर कोर्ट का मजाक उड़ाना चाहता है। डॉक्टर की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं मैडम। चेक करने की जरूरत डॉक्टर की रिपोर्ट की नहीं, फेसबुक की है। फेसबुक? कोर्ट में जज के सामने मजाक कर रही हो? नहीं, उसे हेल्थ इश्यू कहकर आप कोर्ट में मजाक कर रहे हैं। What do you mean? I mean, इनके क्लाइंट शरद 5-स्टार होटल में अपने दोस्तों के साथ अपनी बीमारी सेलिब्रेट कर रहे हैं। What? सबूत के तौर पर उनके फेसबुक के ये फोटोज। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद को अस्थमा है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, यहाँ तक कि वो एक मिनट से ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनकी लेटेस्ट कॉल डिटेल्स देखी जाए तो उन्होंने रोजाना मोबाइल फोन पर 4 घंटों से ज्यादा बातें की हैं। शरद जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा है, ये बात पार्वती ने जज के सामने साबित कर दी है, तो अगली बार शरद को कोर्ट में आना पड़ेगा। जज से बात कर लो। वो बात नहीं मानने वाला। शरद को इस बारे में कुछ मत बताना, ओके? हाय अंकल। हाय शरद। डैड, ये नेताओं को हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहना कंपलसरी है क्या? ऐसा करने से वो लोग बेवकूफ बन जाते हैं। रिलैक्स डैड, चिंता मत कीजिए। मैंने ऐसे 16 फोटो सिलेक्ट किए हैं जिसमें मैंने हाथ जोड़े हैं पब्लिसिटी के लिए। गुड, ये लो आगे। इनमें से बेस्ट कौन सी है आपको डिसाइड करना है थ्रू योर एक्सपीरियंस। गुड जॉब, थैंक यू। थैंक यू सर। हम इस केस को कोर्ट में सेटल नहीं कर सकते हैं, बाहर ही करना पड़ेगा। लेकिन उस पार्वती को तकलीफ देने की या ऐसा वैसा कुछ करने का सोचना भी मत प्लीज। बेटे के केस को बंद करने के लिए आपने वकील को मरवा दिया, ये सबको पता चल जाएगा। वैसा करने से सिस्टम और पब्लिक दोनों आपके विरुद्ध हो जाएंगे। मालिक, सोचा नहीं था कि आप इस लव मैरिज को परमिशन दोगे। ए, बेवकूफ, ये अरेंज मैरिज है। लव कम अरेंज मैरिज। सुन प्रथमेश, तुझे भी ऐसी शादी करनी होगी। इसकी तो शादी हो चुकी है मोबाइल के साथ। अब पता नहीं ये मोबाइल के साथ बच्चे कैसे पैदा करेगा। लगता है बच्चे भी डाउनलोड करेगा। हाँ दादी। तू लंच पे आएगी या सीधा डिनर पे आएगी घर पर? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 3 फुल थाली और जलेबी तैयार रखिए। मोहन। हाँ माँ। जरा वहाँ रुकना, तो मुझे फल खरीदने हैं। आइए साहब, आइए। ये सेब देखिए, 150 रुपए में। 150 ले लो, ले लो। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, ताज़ा, एकदम ताज़ा। मोहन, मोहन रुको। मोहन, मैं करके पैसा नहीं कमा सकता। चोर कहीं के? भाईजान, मैं चोर नहीं हूँ। भाईजान, भाईजान, बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाईजान, भाईजान, छोड़ो मुझे। मैं चोर नहीं हूँ। तू तो सिर्फ चोर ही नहीं है। मैं चोर नहीं हूँ भाईजान। झूठा भी है। भाईजान, मोहन, चेन को भूल जाओ, छोड़ो इसे, चलते हैं। ये लोग सही लोग नहीं है। चेन देता है कि नहीं? मोहन प्लीज चलो यहाँ से, ये एरिया ठीक नहीं है। चलो। तो उसे मार क्यों रहा है? मोहन प्लीज चलो यहाँ से। तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? जानता हूँ कि मुझे कब सुनना है और कब नहीं सुनना है। तुम चुप रहो। पहले मेरी बात का जवाब दे, उसे मार क्यों रहा है तू? मोहन, Thank you.
कौन हो तुम लोग? बता, नहीं तो ये तेरी आखिरी सांस होगी। बता। रुक जा, बताता हूँ। जब माँ बेटा दोनों साथ में हो, तब दंगों का माहौल तैयार करो। दोनों को अलग करो। उन दोनों की मौत दंगों में हुई, ऐसा लगना चाहिए। काले जिंदा रहना चाहिए? उसे सिर्फ कानून ही सजा देगा। काले के सामने आपका कानून कमजोर है। ये लो, जाओ काले को मारकर जेल में चले जाओ और मुझे तड़प कर मरने दो। मेरी चिता को आग देने पुलिस वैन में आना। तुम रेबेलियन हो, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर तुम क्रिमिनल बन गए तो मैं नहीं जी पाऊंगी। काड़े को
कानून के मुताबिक ही सजा होगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो काला कोट कभी नहीं पहनूंगी।